स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है रणछोड़ स्वरूप। बात उन दिनों की है जब अपने मामा कंस की हत्या श्री कृष्ण को करनी पड़ गई थी। उनकी हत्या के बाद कंस के ससुर राजा जरासंध, जो उस समय भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, उनकी एक नहीं दो दो बेटियां कंस से ब्याही हुई थी। उन्हें कंस की हत्या का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर धावा बोल दिया। पहली बार हमले में कृष्ण ने मथुरा को बचा लिया, परंतु दूसरी बार जरासंध शानदार तैयारी के साथ आया। कुछ दिनों तक उपाय न सूझा तो कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा छोड़कर भाग गए। बलराम इस बात से बड़े क्रोधित हुए, परंतु कृष्ण ने कहा कि अभी समय की मांग भाग खड़े होने की है, ऐसे में समय की ना सुनकर व्यर्थ अपनी जान गंवाने का क्या दुख। कृष्ण का यह स्वरूप रणछोड़ के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। वहीं जब अर्जुन कौरवों की विशाल सेना से डर कर युद्ध छोड़ना चाहता था, उस समय कृष्ण ने उसका विरोध किया, वरन मनुष्य जीवन तथा सृष्टि के तमाम रहस्यों को उजागर किया तथा उसे युद्ध के लिए तैयार किया। यह बात अधिकांश लोगों से परे है, लेकिन समझे तो सारा खेल समय का है और यह समय अर्जुन के युद्ध छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, कुछ करना या कुछ ना करना, युद्ध छोड़ना या ना छोड़ना, दरअसल कोई भी कर्म अच्छे या बुरे का पैमाना नहीं है। यह सिर्फ उस पर निर्भर करता है कि उस क्षण संयोग और परिस्थिति क्या है। कोई भी क्षण कोई भी कार्य के लिए महान व ऐतिहासिक हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में वही कर्म खराब भी हो सकता है। अतः समय और परिस्थिति का, यानी टाइम और स्पेस का ठीक ठीक आकलन करना और निर्णय लेना जरूरी है, यही कृष्ण ने कहा है। धन्यवाद।